हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्यूटी सीक्रेट्स। ये तो हम सबको ही पता है कि हल्दी हमारी स्किन के लिए और हेल्थ के लिए कितनी फायदेमंद होती हैं। ये हमारे रंग को साफ करती हैं, किसी भी तरह के दाग धब्बों को दूर करती हैं और हमारे चेहरे को निखरा और बेदाग बनाती हैं। ये हमारी स्किन पर से एक्ने और पिंपल्स को हटाती हैं, क्योंकि इनमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आज मैं आप सबसे एक फेस पैक शेयर करूंगी, जो कि अगर आप कुछ ही दिनों के लिए लगातार इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपकी त्वचा को एकदम फ्लॉलेस और चमकदार बना देगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी, यानी टर्मरिक पाउडर। अब हल्दी भी दो किस्म की होती है। एक होती है नॉर्मल किचन हल्दी, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये हम खाने में इस्तेमाल करते हैं और इसका रंग एकदम ब्राइट येलो होता है। ये वाली हल्दी जब भी हम अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो वो एक पीला स्टेन हमारी स्किन पर छोड़ देती है। ये जो किचन हल्दी होती है, ये खाने में इस्तेमाल होने के लिए होती है, पर जब हम फेस पैक बनाते हैं तो उसके लिए हमें कस्तूरी हल्दी यूज़ करनी होती है, जिसे हम इंग्लिश में वाइल्ड टर्मरिक पाउडर भी कहते हैं। कस्तूरी हल्दी पाउडर हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये जो हल्दी मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये है कस्तूरी हल्दी, यानी वाइल्ड टर्मरिक पाउडर, जो हम अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं। नॉर्मल किचन हल्दी जो होती है वो खाने में इस्तेमाल करने के लिए होती है, पर जब भी हम कोई फेस पैक बनाते हैं, अपने फेस के लिए कोई रेमेडी बनाते हैं, तो उसके लिए हम कस्तूरी हल्दी पाउडर यानी वाइल्ड टर्मरिक पाउडर यूज करते हैं, जो मैं आपको वीडियो में यहाँ दिखा रही हूँ। ये एक हल्के पीले रंग का होता है और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। जब हम इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन पर कोई भी पीला रंग नहीं छोड़ता। तो जब भी आप फेस के लिए कोई रेमेडी बनाए, फेस पैक बनाए, तो आप सिर्फ कस्तूरी हल्दी का ही उपयोग कीजिए। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कस्तूरी हल्दी पाउडर में और नॉर्मल किचन हल्दी पाउडर में। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये फेस पैक कैसे बनाना है। सबसे पहले आप एक बोल में 1 टेबलस्पून कस्तूरी हल्दी पाउडर लीजिए। उसके बाद आप उसमें 1 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड करिए और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नेक्स्ट आप उसमें 1/4 टीस्पून बादाम के तेल की और 2 से 3 टेबलस्पून कच्चा दूध डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको इस फेस पैक को बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी में रखना है जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। अब अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो लीजिए और फिर इस फेस मास्क को अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। इस फेस मास्क में हमने कस्तूरी हल्दी पाउडर ऐड करी है, जो कि हमारी स्किन को क्लियर आउट करेगा। अगर आपको पिगमेंटेशन, मेलेज्मा, ब्लेमिशेस, एक्ने स्कार्स या डार्क स्पॉट्स हैं, तो इस फेस पैक को यूज़ करके आपकी स्किन के सारे दाग धब्बे कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगे। अगर आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो हल्दी के उपयोग से वो भी थोड़े दिनों में कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे। चावल का आटा भी हमने इसमें ऐड किया है, जो कि हमारी स्किन पर सारे दाग धब्बों को दूर करता है और उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो कि फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को दूर करता है। हमने इसमें बादाम का तेल ऐड किया है, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, नरिश करेगा। और जो हमने कच्चा दूध इसमें ऐड किया है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो कि एक नेचुरल स्किन ब्लीच की तरह काम करता है और हमारी स्किन पर सारे किस्म के दाग धब्बों को दूर करके हमारी स्किन टोन को लाइटन करता है। अच्छे से इस पैक को लगा लीजिए और फिर इसे सूखने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जब ये पैक सूख जाए तो आप इसे ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्क्रब करके रिमूव कर दीजिए। ऐसे स्क्रब करने से आपकी स्किन पर से डेड स्किन रिमूव होगी, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स रिमूव होंगे और अगर आपके चेहरे पर फेशियल हेयर हैं तो इस फेस मास्क के यूज से वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ऐसे स्क्रब करने के बाद आप अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लीजिए। इस पैक को आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। इस मास्क के एक ही बार के यूज से आपको अपनी स्किन में एक नेचुरल ग्लो नजर आएगा और आपकी स्किन टोन भी नेचुरली लाइटन होगी। अगर आपका स्किन टोन धूप में रहने की वजह से बहुत डार्क हो गया है तो आप इस फेस मास्क को लगातार 2 महीने यूज कीजिए और ये आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर आउट करके आपका सारा सनटैन हटा के आपकी स्किन को एकदम ब्राइट बना देगा। तो फ्रेंड्स, आप इस फेस मास्क को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फायदेमंद वीडियोज के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।